हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल की ये रेसिपी है बहुत खास क्योंकि इसे बना रहे हैं अलग अंदाज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे चैनल पर आई है आप सबके लिए चने के दाल और मेथी से बनने वाले इतनी टेस्टी डिश की रेसिपी कि जिसे आप देखेंगे तो बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। चने के दाल में कभी आपने मेथी डालकर बनाया होगा, शायद नहीं बनाना है बनाया होगा। चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ, आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ कि ये दाल मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है जिसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली है जो कि 1 कप है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद और 1 घंटे के लिए भिगा दिया था। वैसे आपके पास टाइम कम हो तो आप 15-20 मिनट के लिए भी भिगा सकते हैं। और उसके बाद से मैंने इसे पानी से छान कर रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे अपनी दाल, सारी दाल को एक साथ ऐड कर दें। और यहाँ पर 1 कप दाल के साथ हम लगभग ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। जी हाँ, यहाँ पर 2 गिलास पानी हम ऐड करेंगे। और उसके बाद से जो है नॉर्मल जो मसाले पड़ते हैं जैसे कि नमक और हल्दी दाल बनाते वक्त, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैंने हल्दी का पाउडर लिया है, साथ ही नमक मैं ले लूँ 1 टीस्पून। दोनों चीजों को डालने के बाद अब मैं लूंगी यहाँ पर बारीक कटी हुई अदरक। तो ये 1 टेबल स्पून भर के बारीक कटी हुई अदरक ली है, साथ ही 1 टेबल स्पून भर के मैं हरी मिर्च भी लूंगी जो कि मैंने बारीक चॉप करके रखी है। दोनों चीजों का पेस्ट हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दाल को ऐसे मिक्स कर लीजिए और उसके बाद से जो है ढक्कन लगाकर इसे हम पका लेंगे 3 से 4 सीटी आने तक। 3 से 4 सीटियों में दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाती है। और जब तक मैं दाल को पका रही हूँ तब तक चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने लगभग 200 ग्राम मेथी के पत्तों को अच्छे से चॉप करके वॉश करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मेथी के पत्ते हैं, फ्रेश मेथी के पत्ते, ये हमें चाहिए होंगे दाल बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो खड़े मसालों में मैंने जो है ये सारे मसाले निकाल कर रखे हैं। इसमें जो है मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो जीरा ली है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्च के दाने हैं और 3 लौंग हैं, साथ ही 1 बड़ी इलायची है, इस तरीके की 1 बड़ी इलायची आप ले लें, 2 छोटी इलायची ले लेंगे और साथ ही दालचीनी के कुछ टुकड़े। तो दालचीनी आप 1 इंच 2 इंच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, दालचीनी से दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सारे यहाँ पर साबुत मसाले मैंने एक साथ ही करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है कढ़ाई में, और ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे अपने साबुत खड़े मसालों का तड़का। ध्यान रखें कि मसालों को बहुत ज्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है, तेल को हल्का ही गर्म करें जिससे मसाले हमारे जले नहीं। उसके बाद से मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है, हींग से दाल का फ्लेवर अच्छा आता है। मसाले तड़क जाए तो उसके बाद से 1 बड़ी प्याज को नॉर्मली स्लाइसेस पे काट कर रखा है, प्याज को हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के लिए फ्लेम को आप थोड़ा सा मीडियम कर दें जिससे कि प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए। प्याज को भूनने में 2 मिनट का टाइम लगता है। 2 मिनट के बाद देखिए प्याज हमारी हल्की सी श्रिंक हो गई है, गोल्डन भी हो गई है। प्याज को आप एक बार चलाकर चेक कर लीजिए तो कुछ इस तरीके की प्याज हमें गोल्डन ब्राउन यहाँ पर चाहिए होगी। इसके बाद से जो चीज है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो अदरक मैंने 1 बार चॉप करी हुई भी डाली है, साथ ही मैं यहाँ पर मसालों में भी ऐड कर रही हूँ। अदरक से इस दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सर्दियों के दिनों में अदरक तो खूब मिलती है। तो अदरक डालकर जो रेसिपी बनाते हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा टेस्टी भी बनती है, साथ ही हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डालने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये पेस्ट हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके बाद से मैंने लिए हैं 2 लाल टमाटर, इसको फाइन चॉप किया है। टमाटर जो है फाइन चॉप करके डाल सकते हैं, आप इसकी प्यूरी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है मेथी के टेस्ट के हिसाब से, और नमक और टमाटर को अच्छे से मिक्स करके हम इसे सिम फ्लेम पर छोड़ेंगे जिससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और टमाटर को पकने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है, तो इसे मैं छोड़ दूंगी एक बार सिम फ्लेम पर पकने के लिए। दूसरी साइड जो है दोस्तों हमारी दाल भी कुक होकर रेडी हो चुकी है। देखिए 3 सीटी मैंने लगाई थी, दाल बहुत ज्यादा घोटनी नहीं है, दाल को ऐसे ही खड़ा खड़ा ही रखेंगे। और पानी भी इसका अच्छे से सूख गया है। दाल को हम चेक कर लेते हैं, दाल काफी ज्यादा गर्म है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दाल काफी बढ़िया से कुक हो चुकी है 3 सीटियों में। इसे मैं एक बार साइड रख देती हूँ और वापस अपने टमाटर को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, इनको चलाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने प्यूरी डाली है तो प्यूरी में ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट आप फ्राई करेंगे तो प्यूरी भी फ्राई हो जाती है। इसके बाद से हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैं यहाँ पर धनिया का पाउडर ले रही हूँ। इसके अलावा हम लेंगे हल्दी का पाउडर लगभग 1/4 टीस्पून। हल्दी का पाउडर मैंने पहले भी डाला है तो मैं यहाँ पर थोड़ा ही डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून से ज्यादा मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे हमारी दाल के तड़के में बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा। तो दाल में अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जरूर यूज करिएगा।
मसाले को एक मिनट सिम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कर लें। मसाले फ्राई होते ही ऊज आउट होने लगते हैं, ऑयल को ऊज आउट करने लगते हैं। देखिए मसाले काफी बढ़िया से ड्राई हो गए हैं। अब टाइम है जब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई मेथी जो हमने पहले से वॉश करके रखी है, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर आपको वापस बता दूं कि 200 ग्राम मेथी के पत्ते मैंने लिए हैं एक कप दाल को बनाने के लिए। मेथी को डालने के बाद मसालों के साथ अच्छे से मिला लीजिए और मेथी को मिलाते ही मिलाते आप देखेंगे कि मेथी जो है अपना पानी छोड़ने लगती है। इस तरह के जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो गर्म कढ़ाई में डालने पे ही तुरंत ही हाफ हो जाते हैं, साथ ही कुक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको बस इस मसालों में अच्छे से मिक्स करिए और 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए सिम फ्लेम पर। यहाँ पर हम मेथी को ढकेंगे नहीं। 2 मिनट में ही देखिए मेथी कितनी बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है बिना ढके ही, साथ ही वो श्रिंक हो गई है, कम भी हो जाती है। यहाँ पर हमारा ये मेथी वाला बढ़िया सा तड़का बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये उबली हुई दाल है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और दाल एक बार आप अच्छे से निकाल लें तो मैं क्या करूंगी, प्रेशर कुकर में भी थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी और प्रेशर कुकर का जो पानी है, दाल को धुलता हुआ जो पानी आएगा, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1/2 कप पानी डाला था प्रेशर कुकर में और वो पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। चूंकि दाल हमारी ज्यादा गाढ़ी हो जाती तो इसलिए 1/2 कप पानी मैंने कुछ इस तरीके से डाल दिया है। अगर आपको दाल में पानी ऐड करना हो तो आप गर्म पानी का ही यूज करें, इससे दाल हमारी एकदम घुली मिली सी रहती है, वरना तो दाल अलग और पानी अलग दिखता है। दाल को इस तरह से हम हाई फ्लेम पर एक बार पकने देते हैं। इसमें हम डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। तो गरम मसाले का पाउडर मैंने कुल 1 टीस्पून डाला है, 1/2 टीस्पून करके। अब गरम मसाले के पाउडर के बाद मैं डालूंगी बहुत थोड़ा सा ये अमचूर का पाउडर। अमचूर का पाउडर नहीं है तो आप 1/2 नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। अमचूर का पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं और इस दाल को हम पकने के लिए छोड़ देंगे सिम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए। तो दाल हमारी 5 से 7 मिनट पक चुकी है। दाल का कलर भी चेंज हो गया है, देखिए जो तेल होता है वो ऊपर आकर इस तरह से तिरने लगता है, मतलब दाल काफी बढ़िया तरीके से पक चुकी है। अगर आपको दाल और गाढ़ी रखनी है तो आप इसे थोड़ा और पका सकते हैं या फिर शुरू में ही आप पानी की मात्रा कम कर सकते हैं। यहाँ पर दाल हमारी पूरी तरीके से पक चुकी है। अब एक और चीज जो चीज बाकी है वो मैं जो डाल रही हूँ वो है बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियों को आप कूट कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 5 से 7 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक एकदम फाइन चॉप करके डाला है। इससे पूरे दाल का एक फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, दाल बहुत टेस्टी हो जाती है। तो इसे आप लास्ट में डालें जब आप गैस को एकदम बंद कर रहे हो। गैस बंद करने के तुरंत बाद आप लहसुन डाल दें और उसके बाद से जो है आपको धनिया पत्ती डालनी है तो आप धनिया पत्ती से यहाँ पर साथ में गार्निश कर सकते हैं। और धनिया पत्ती भी मैं लगभग 1/2 कप डाल रही हूँ। अच्छे से डालेंगे एकदम बढ़िया तरीके से और उसके बाद से जो है हम लेंगे देशी घी। जी हाँ, इस तरह से देशी घी लेकर 2 से 3 टीस्पून आप दाल के ऊपर ऊपर से डाल दें और इससे आएगा दाल में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर। इस दाल में अलग से तड़का लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर देशी घी डाल दी। अब ढक्कन लगाकर मैं छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद दाल में सर्व कर रही हूँ। देखिए दाल कितनी ज्यादा टेस्टी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया सी खड़ी खड़ी दाल बनी है दोस्तों। और मेथी के पत्तों से दाल का फ्लेवर पूरी तरह से एकदम डिफरेंट टाइप का हो गया है। और ये दाल रोटी से, राइस से या फिर पराठों के साथ कैसे भी इंजॉय करिए, वापस से और देशी घी डालेंगे इसको और इसी तरीके से इस दाल को सर्व करेंगे। इस दाल को रोटी या राइस के साथ एंजॉय करिएगा और फिर मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों रेसिपी बहुत ही कमाल की है, एक बार बनाकर ट्राई करना तो बनता है। सर्दियों में मेथी के पत्ते आ रहे हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।